तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। इसका मतलब स्पोर्ट्स सब कुलता है, फुटबॉल से लेकर ट्रांसफर न्यूज़, ट्रांसफर रूमर्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पैरा किस तरीके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हीरो आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में कल था मैच एटीके मोहन बगान वर्सेस नॉर्थ ईस्ट एफसी का, एंड ये मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2-1 से जीत लिया है। एंड नॉर्थ ईस्ट एफसी का के लुइस मचाडो एंड फेडरिको गैलेगो ने गोल किया। एंड फेडरिको गैलेगो का जो गोल था वो डेफिनेटली एक वर्ल्ड क्लास लेवल का गोल था, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया गोल था मैं बोलूंगा। एंड लुइस मचाडो ने जो गोल किया वो एक्चुअली एक फाउल था मैं बोलूंगा, टीरिको लुइस मचाडो ने एक फाउल किया था एंड रेफरी को वो दिखा नहीं। मुझे पता नहीं कैसे रेफरी एकदम पीछे ही थे उन दोनों प्लेयर्स के, एंड पीछे से एकदम क्लियरली दिख रहा था कि धक्का दिया गया है बट फाउल नहीं दिया गया। अब ये तो रेफरी बता सकते कि वो फाउल क्यों नहीं दिया गया। बट नॉर्थ ईस्ट का होके कल का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। नॉर्थ ईस्ट ने जितना भी अटैक किया है वो काफी ज्यादा डेडली अटैक में बोलूंगा, मतलब कल नॉर्थ ईस्ट को अटैक करते हुए देख के अच्छा लग रहा था। एंड एटीके मोहन बगान का होके रॉय कृष्णा ने एकमात्र गोल किया। एंड कल एटीके मोहन बगान का परफॉर्मेंस जैसा हर मैच में होता है, थोड़ा सा वो लोग डिफेंस में ज्यादा फोकस करते हैं एंड अटैक में कभी कभी जाते, तो कल वैसा ही था। काउंटर अटैक बेस्ट ही गेम था बट फिर भी कल मैं बोलूंगा एटीके मोहन बगान ने थोड़ा सा बॉल पोजिशन होल्ड करने का ट्राई किया है। एंड एटीके मोहन बगान ने कल के मैच में भी बहुत सारा मिस पास किया, जो कि अगर आप एक काउंटर अटैकिंग टीम हो आप वो चीज एफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें एटीके मोहन बगान को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड इस मैच को हारने के बाद एटीके मोहन बगान के लिए नंबर वन पोजीशन का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि मुंबई सीरीज ने लास्ट मैच ड्रॉ किया था एंड इसी की वजह से एटीके मोहन बगान के पास एक चांस था कि हाँ अगर वो ये मैच जीतते तो पॉइंट डिफरेंस बस 3 पॉइंट का रह जाएगा, बट अभी भी पॉइंट डिफरेंस 6 पॉइंट का है, तो काफी ज्यादा ह्यूज एक पॉइंट डिफरेंस है जो कि कम करना काफी ज्यादा टफ है। मतलब हाँ मैथमेटिकली डेफिनेटली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली काफी ज्यादा टफ है बोलूंगा। एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी अच्छा बात, खालिद जमील के लिए बहुत अच्छा बात। डेफिनेटली एक इंडियन कोच है खालिद जमील एंड उनके अंडर नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब पहले जमशेदपुर एफसी को हराया है नॉर्थ ईस्ट ने एंड उसके बाद एटीके मोहन बगान, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट टॉप फोर में जा सकते हैं बट टॉप फोर का कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा हार्ड होगा। तो अब और बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज का जो मैच है केरला ब्लास्टर्स एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी का, दोनों ही टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच, मतलब केरला के लिए हर मैच इंपॉर्टेंट है अगर उनको टॉप फोर में जाना है तो। एंड जमशेदपुर एफसी का जो रिसेंट सिचुएशन है उनके लिए भी हर मैच इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हर मैच जीतना मैंडेटरी जैसा ही हो चुका है अगर उनको टॉप फोर में एक अच्छा खासा फाइट देना है तो। बट मेरे हिसाब से जमशेदपुर एफसी इस मैच से डेफिनेटली 3 पॉइंट्स निकालना चाहेंगे बट इजी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि केरला का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, मेनली राहुल केपी का रिसेंट परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है मैं बोलूंगा। एंड जमशेदपुर एफसी का ओके किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर का कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है बट डेफिनेटली एज अ टीम जमशेदपुर एफसी काफी ज्यादा अच्छा टीम है, निर्जेस वाल्सकिस जैसे प्लेयर है जमशेदपुर एफसी के पास। सो देखने लायक हो कि यह मैच कौन जीतता है, केरला ब्लास्टर्स एफसी या फिर जमशेदपुर एफसी। आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो रशिया द्वारा बड़ा एएफसी को लेके, सो एएफसी ने एएफसी कप 2021 के सारे डेट्स ऑफिशियली रिलीज कर दिया एंड ये सारे डेट्स मतलब कब होगा ग्रुप स्टेज एंड सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल सारे डेट्स यहाँ पे आप चाहते वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड एएफसी ने एएफसी चैंपियंस लीग का भी सारे जितने भी डेट्स है मतलब कब ग्रुप स्टेज होगा ये सब ऑफिशियली निकल चुका है एंड ये है पूरा चार्ट, आप जो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। सो रशिया द्वारा एटीके मोहन बगान की तरफ से, तो एटीके मोहन बगान ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया मार्सिलिनियो का। तो मार्सिलिनियो जो कि लेफ्ट विंग पोजीशन के प्लेयर, उनका एज है 33 एंड मार्सिलिनियो एटीके मोहन बगान में लोन में आए उड़ीसा एफसी से एंड उड़ीसा एफसी ने भी ब्रैड इनमान का साइनिंग कंप्लीट कर लिया है लोन में, मतलब एक स्वैप डील आप बोल सकते हो इन दोनों के बीच में हुआ है। एंड मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन एटीके मोहन बगान की तरफ से, क्योंकि एटीके मोहन बगान को एक लेफ्ट विंग पोजीशन का प्लेयर का बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। एंड उड़ीसा एफसी डेफिनेटली ब्रैड इनमान को एक ट्राई दे सकते हो क्योंकि ब्रैड इनमान को कुछ बहुत ज्यादा मौका मिला नहीं है एटीके मोहन बगान में एंड जितना मौका मिला है उन्होंने अपने आप को ज्यादा कुछ प्रूव कर नहीं पाए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन दोनों ही क्लब की तरफ से, क्योंकि मार्सिलिनियो को भी उड़ीसा एफसी में मौका नहीं मिल रहा था तो एटीके मोहन बगान में डेफिनेटली उनको फर्स्ट 11 में मौका मिलेगा, एटलीस्ट सब्स्टिट्यूशन में तो उनको डेफिनेटली मौका मिलेगा क्योंकि लेफ्ट विंग पोजीशन काफी ज्यादा एम्प्टी है एटीके मोहन बगान में एंड सुभाषीष बोस एक प्रॉपर लेफ्ट विंग पोजीशन के प्लेयर नहीं है, लेफ्ट बैक पोजीशन के प्लेयर, तो उनको लेफ्ट विंग या लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में खिलाना कुछ जमता नहीं है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली मार्सिलिनो काफी बढ़िया ऑप्शन है। सर देखते हैं मार्सिलिनो एंड ब्रैड इनमैन का परफॉर्मेंस इन दोनों टीम का ओके कैसा रहता है। सर नेक्स्ट जाने वाले एफसी गोवा की तरफ से, तो एएफसी का आज ड्रॉ है एंड मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप चाहो तो वहां पे पूरा लाइव स्ट्रीम होगा आप देख सकते हो। एंड एफसी गोवा पॉट 3 में है एंड एफसी गोवा के साथ पाक्ताकोर एंड इस्तेगलल जैसे क्लब्स भी है, तो डेफिनेटली देखने लायक हो कि एफसी गोवा के ग्रुप में कौन से टीम्स होते हैं एंड
एफसी गोवा वेस्ट जोन में है, तो वेस्ट जोन में 5 ग्रुप्स होगा, मतलब वेस्ट एंड ईस्ट जोन ही होता है एफसी चैंपियंस लीग में। देखने लायक हो कि एफसी गोवा का ग्रुप कितना ज्यादा हार्ड या कितना ज्यादा एवरेज होता है, क्योंकि इजी तो कोई ग्रुप भी नहीं होता है एफसी चैंपियंस लीग में। सर देखते क्या होता है। सुरक्षित गोकुलम केरला को लेके, गोकुलम केरला को मिला है 2 ट्रांसफर बैन, एंड ये ट्रांसफर बैन मिला है क्योंकि गोकुलम केरला ने एम मिताई का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था विदाउट एनी नोटिस, एंड फीफा का रूल है कि आपको एटलीस्ट 1-7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ हम इस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, एंड उस प्लेयर को ये चीज बताना जरूरी है। एंड इसी के वजह से कोलम केरला को 2 ट्रांसफर बैन मिला है, मतलब 2 ट्रांसफर विंडोज में वो कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, एंड 18 लाख का एक फाइन भी उनके ऊपर लगाया गया है, एंड ये 18 लाख उनको एम मिताई को देना पड़ेगा। सो गोकुलम केरला के लिए खराब बात है मैं बोलूंगा, बट ये करना भी नहीं चाहिए। एटलीस्ट आप एक प्लेयर को बता दो कि आप उनको उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर रहे हो। सो मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन फीफा की तरफ से। सो नेक्स्ट इंटरनेशनल, चेल्सी ने सैक कर दिया फ्रैंक लैम्पार्ड को, एंड अभी चेल्सी के नए कोच है थॉमस टुचल। तो थॉमस टुचल जो कि पीएसजी के कोच थे, एंड पीएसजी उनके अंडर ही सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है पीएसजी का यूएफए चैंपियंस लीग में, क्योंकि मैं फ्रेंच लीग को तो यहाँ पे नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि फ्रेंच लीग में कोई भी कोच हो पीएसजी ही जीतेगा। एंड फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक करने का बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन, इतने महंगे महंगे हाई मार्केट वैल्यू वाले प्लेयर फ्रैंक लैम्पार्ड ने चेल्सी में लाया था, बट कोई भी ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए, ना ही हवार्ड्स ना ही टीमो वर्नर, एंड डिफेंस बहुत ज्यादा वीक है, एंड चेल्सी ने सबसे ज्यादा ट्रांसफर बजट रखा था, एंड उसके बाद भी इतने सारे प्लेयर्स खरीदने के बाद भी चेल्सी का जो प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस है वो खराब ही है मैं बोलूंगा। एंड डेफिनेटली फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक करने का बहुत सारा रीजन है, तो मैं सबसे अच्छा डिसीजन चेल्सी के मैनेजमेंट की तरफ से। देखने लायक होगा कि थॉमस टुचल के अंडर चेल्सी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सुरक्षित बार्सिलोना की तरफ से, तो बार्सिलोना ने ऑफिशियली अपना जितना भी डेप्ट है या फिर जितना उधार आप बोल सकते हो वो ऑफिशियली रिलीज किया है फिर से, एंड ये उधार बढ़ के हो चुका है 1.17 बिलियन यूरो। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेप्ट है बार्सिलोना के ऊपर, एंड ये उनको चुकाना पड़ेगा, एंड मुझे नहीं लगता कि कोई और बड़ा यूरोपियन क्लब के ऊपर इतना बड़ा एक डेप्ट है, तो ये भरना बहुत ज्यादा जरूरी है बार्सिलोना के लिए। एनडीसी के वजह से बार्सिलोना कोई प्रॉपर ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहा है। एनडीसी के वजह से बार्सिलोना चाहते कि वो अपने कोई प्लेयर्स को बेच के जो भी पैसा है उससे कुछ प्लेयर्स भी खरीद ले, एंड थोड़ा सा अपना जो उधार है उसको भी थोड़ा सा कम कर पाए। तो डेफिनेटली बार्सिलोना का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, एंड डेफिनेटली मैनेजमेंट के ऊपर तो एक जिम्मेदारी होता ही है कि इतना ज्यादा डेप्ट कैसे हो गया। एंड हम सबको पता है कि लास्ट 2-3 सालों से बार्सिलोना का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा खराब रहा है, एंड मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे बार्सिलोना के प्रेसिडेंट का भी एक बहुत बड़ा गलत था। मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर्स का उन्होंने साइनिंग किया जिनका साइनिंग करने का जरूरत नहीं था। लास्ट 1.5 साल से एक भी कप नहीं जीता है बार्सिलोना ने। सो डेफिनेटली बार्सिलोना के ऊपर एक डेप्ट है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का जो पैसा है वो तभी मिलेगा जब आप कोई कप जीतोगे, तो ऐसा ही क्लॉजेस होता है, एंड बार्सिलोना ने कोई कप नहीं जीता तो उनको स्पॉन्सर से भी ज्यादा कुछ पैसा मिल नहीं रहा है। तो इसी की वजह से बार्सिलोना का जो अभी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, एंड देखते हैं इस फाइनेंशियल क्राइसिस से कब तक बार्सिलोना उभर के आ पाते हैं। मतलब इस चीज के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।